तो हेलो भाई, मैं हूँ अर्जुन सुथार। तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो भाई आज बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर कि भाई इंडियन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे कंपटीशन तो बहुत है। तो इस बढ़ते कंपटीशन को देखते हुए इंडिया में एक नई गाड़ी लॉन्च होने की तलाश पे है। तो नाम है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो काफ़ी टाइम से चली आ रही है, सिंस 2002। तो 2002 से लेके आज तक स्कॉर्पियो चली आ रही है। एंड स्कॉर्पियो की लेटेस्ट जनरेशन, जो कि स्कॉर्पियो को बेसिकली S11 नाम से जाना जाता है, उसको एज अ स्टैंडर्ड क्लासिक के नाम से कंटिन्यू किया जाएगा। तो नई वाली स्कॉर्पियो की जब बात आती है तो यहाँ पे स्कॉर्पियो N को लॉन्च किया जा रहा है। तो N के बारे में आपने कई सारी लीक्स भी देखी होंगी एंड यहाँ तक देखा होगा कि स्कॉर्पियो N में कई सारे फीचर्स भी मिलने वाले हैं। सो आज की इस वीडियो में टोटली अपन बताने वाले हैं कि स्कॉर्पियो N में पावर ट्रेन्स क्या कुछ मिलने वाले हैं, एक्चुअल में क्या कुछ पावर फिगर्स रहेंगे स्कॉर्पियो N के, और उसके साथ ही साथ स्कॉर्पियो N में अपन को फोर व्हील ड्राइव मिलेगा, ऑल व्हील ड्राइव मिलेगा, या फिर क्या कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, डीजल पेट्रोल एज सच ऑल सब क्लियर करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जहाँ बात ऑफ रोड की आती है और बात SUV की आती है, जब बात SUV की आती है तो ऑलमोस्ट हर कोई चाहता है अपनी SUV के साथ कि वो गाड़ी ऑफ रोड कैपेबल हो। एंड कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए आज की डेट में जो स्कॉर्पियो के कॉम्पिटिशन में गाड़ियाँ आती हैं, जैसे कि टाटा की सफारी, टाटा की हैरियर और भाई ह्युंडई अल्काज़ा, ये कुछ गाड़ियाँ अपन को देखने को मिलती है इस कॉम्पिटिशन सेगमेंट में। तो यहाँ पे जब बात सफारी की जाए, यहाँ पे कोई अपन को ऑल व्हील ड्राइव का या फिर फोर व्हील ड्राइव का ऑप्शंस नहीं मिलता, या फिर कह लो उसके साथ ही अपन को ना ही कोई अदर ऑप्शंस मिलता है। जस्ट लाइक आपको ना ही रियर व्हील ड्राइव, ना ही लेडर ऑन फ्रेम SUV मिलती है, क्योंकि एक SUV का एनहांस होता है या फिर ट्रांस होता है जस्ट लाइक कि उसमें लेडर ऑन फ्रेम बेस्ड हो और रियर व्हील ड्राइव हो, तभी जाके उसकी कैपेबिलिटीज सामने आती है। तो जस्ट लाइक महिंद्रा की गाड़ियों में अपन को रियर व्हील ड्राइव मिलता है, तो इसी तरह एज स्टैंडर्ड स्कॉर्पियो में अपन को रियर व्हील ड्राइव मिलेगा, जो कन्फ्यूजन था मेरे माइंड में भी। और उसके साथ ही मेरे को लगा था कि भाई मोनोकॉक बेस्ड आएगी, लेकिन ये लेडर ऑन फ्रेम बेस्ड SUV रहने वाली है। तो ये बात सुन के महिंद्रा लवर्स बहुत ज़्यादा खुश हुए कि हाँ स्कॉर्पियो में लेडर ऑन बेस्ड आएगी, जिसमें ना वही सेम प्लेटफॉर्म, उसी टाइप का जो स्कॉर्पियो में अपन को मिलता है उससे सिमिलैरिटी मिलेगी। बट हाँ, सेफ्टी में बात की जाए, 4 to 5 stars में अचीव करने के टारगेट रहेंगे। ठीक है, तो अब इसको करते हैं साइड में। तो बात करें इसकी लॉन्चिंग की, अराउंड भाई 27 जून को इसकी लॉन्चिंग रहने वाली है। तो अब 27 जून को इसकी लॉन्चिंग है, तो इंजन ऑप्शन की बात करें, इसमें मिलने वाला अपन को डीजल और पेट्रोल ऑप्शंस। यहाँ पे डीजल में एज एन स्टैंडर्ड बात करें, 132 PS की पावर और 300 Nm का टॉर्क मिलेगा अपन को डीजल में 6 स्पीड 2.2 लीटर इंजन के साथ में, जो कि अपन को थार में मिलता है भाई, सिमिलर रहने वाला है फंडा। तो अब नेक्स्ट बात करें तो भाई सेम 2.2 लीटर का इंजन, विच इज़ बेस्ड ऑन हायर ट्रिम्स। हायर ट्रिम्स में अपन को मिलेगा 175 PS का पावर और 370 Nm का टॉर्क। जब बात यहाँ राइवल्स की आती है, जीप का इंजन मिलता है यहाँ पे 170 PS और 350 Nm का टॉर्क, जो अपन को हैरियर और सफारी में देखने को मिलता है। तो उसको देखते हुए ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल फील होती है। यहाँ पे भी अपन को 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड ऑटोमेटिक रहने वाला है। ऑटोमेटिक में बात करें, वहाँ पे टॉर्क बढ़ जाता है, 400 Nm का रह जाता है, जो कि अपन को टाटा हेक्सा में और सफारी जो पहले आती थी उसमें मिलता था, जो कि कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाता है। अपन को लगता है कि हाँ एक्चुअल में पावर फिगर्स हैं। तो यहाँ पे इंजन की बात करें, वो भी 2.2 लीटर का इंजन रहने वाला है, जो महिंद्रा के पास है M-Hawk इंजन, सिमिलर रहने वाले हैं दोनों इंजन। अगर पेट्रोल की बात करें, यहाँ पे अपन को 2 लीटर का पेट्रोल इंजन, विच प्रोड्यूसेस 200 PS ऑफ पावर एंड 370 Nm ऑफ टॉर्क, और ऑटोमेटिक में बात करें 380 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। ठीक है, और तो भाई जहाँ बात फोर व्हील ड्राइव या फिर ऑल व्हील ड्राइव की आती है, तो यहाँ पे स्कॉर्पियो में अपन को फोर व्हील ड्राइव मिलेगा। बेसिकली ये SUV का एक मेन फैक्टर रहता है कि फोर व्हील ड्राइव मिलना। अब यहाँ पे ना ही कोई ऑल व्हील ड्राइव है, तो यहाँ पे नकली बना कुछ नहीं है, सब कुछ रियल रहेगा कि हाँ एक्चुअल में 4x4 टाइप की कैपेबिलिटीज के साथ में आएगी अपनी स्कॉर्पियो N। तो जो लवर्स हैं स्कॉर्पियो के भाई, उनके लिए तो बहुत ही चार चांद लगने वाले हैं। और यहाँ पे बात करें ऑटोमेटिक और मैनुअल की, पेट्रोल में भी अपन को 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड ऑटोमेटिक मिलने वाला है। डीजल में भी सेम रहने वाला है, 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। और भाई जो लोअर ट्रिम्स में, उसमें अपन को ना ही फोर व्हील ड्राइव का है, ओनली रियर व्हील मिलेगी, और यहाँ पे अपन को जो है ना डीजल ऑप्शन ही मिलेंगे, और उसके साथ ही अपन को 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलने वाला है। ठीक है, तो पावर थोड़ी कम है, बट ये इंजन बहुत कैपेबल है, महिंद्रा का बहुत रिलायबल इंजन है, बहुत ही जाना माना इंजन है, जो 2.2 लीटर का रहने वाला है। सो ऑल ओवर कुछ ये फंडा मिलने वाला है स्कॉर्पियो N में। और इसमें जैसे कि अपन को हैरियर और सफारी या फिर मोस्ट ऑफ द टाटा कार्स में अपन को देखने मिलता था कि वो रफ रोड मोड्स,
सैंड मोड्स, इस तरीके से मोड्स प्रोवाइड करती थी। उसी तरह महिंद्रा स्कॉर्पियो में अपन को 4 मोड्स मिलने वाला है, जो कि है सैंड, मड, ग्रास और स्नो। तो आप हर सेगमेंट में हर जगह से इस गाड़ी को निकाल सकते हो। तो भाई ये बहुत ज़्यादा फायदे वाली बात है, फोर व्हील ड्राइव के साथ में ये सारे ऑप्शन अपन को देखने को मिल सकते हैं। तो भाई बहुत मस्त गाड़ी आने वाली है, ठीक है। तो अगर वेट करो, वर्थ है यार वेट। अब यार जून 27 तो आने वाली है 5 से 7 दिन में, और गाड़ी बहुत बढ़िया चीज़। यही कुछ था महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन के पावर ट्रेम्स में, और भाई फीचर्स तो बहुत सारे आ ही रहे हैं, उनसे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो आने वाली है। सो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल को। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।